सही, तुम्हें अगर जल्दी उठना है तो बता देना। मैं तो सोच रही हूँ कि सोऊं ही नहीं, कल अगर मुझे उठने में थोड़ी भी देरी हो गई ना तो आपके परिवार वाले मुझे कोई नया ताना सुना देंगे। कोई नया ताना सुनाए या पुराना तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि तुम तो खटाक से जवाब दोगी और फटाक से अपने कमरे में आ जाओगी। उन बेचारों को कुछ समझ में नहीं आएगा। वैसे समझ तो मैं भी नहीं पा रहा हूँ। क्या? यही कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं हॉस्पिटल में था? पहले आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, फिर मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी। हाँ तो पूछो। पक्का? पक्का। हाँ तो ये बताइए ना, अनिकेत की हाइट कितनी है? इतनी? अनिकेत? हम अनिकेत की बात क्यों कर रहे हैं अचानक से? क्या हो गया तुम्हें? मुद्दे की बात यह है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं हॉस्पिटल में था, बताओ। चलो। मैं क्यों बताऊं? मैं नहीं बताऊंगी। तो अब सही तुम मुझसे बातें छुपाओगी? हाँ तो आप भी तो छुपा रहे हैं मुझसे बात। मैंने क्या छुपाया तुमसे? आप अनिकेत से मिलने मेरे कॉलेज गए थे, मुझे बिना बताए गए थे कि नहीं? कुछ भी मतलब। अब ये तुम क्या? मुजरिम कितना भी शातिर क्यों ना हो, लेकिन कानून की नजरों से बच नहीं सकता। क्यों, पकड़ी गई ना चोरी? सही दोषी पकड़े सच्चे दोषी। चलो जल्दी जल्दी बताओ, क्योंकि अगर डंडाराम ने सवाल पूछना शुरू किया ना तो तुम जवाब तो क्या, झूठ बोलने लायक भी नहीं रहोगे। बोलो। डंडाराम? बताता है साहब, पर पहले ये डंडाराम को थोड़ा उधर करो ना। राम राम। घबर तो उसमें आई का। मैं गया था आपके कॉलेज में, लेकिन आपको क्या लगा मिस्टर जासूस चौहान मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? आइंदे से झूठ बोला ना तो याद रखना मुझे सब पता चल जाता है, समझ ला? समझ ला। कैसा ये रिश्ता है हमको न समझे, उड़ती पतंग के जैसे मांझे हैं उलझे। एक डोर तुमने थामी, एक थामी हमने, कुछ बदल रहा है बेशक हमने। लगती हो मासूम जैसे कोई दुआ, ये मेरे दिल में जाने क्या हुआ। गुम है किसी के प्यार में। झूठ क्यों बोला? ये क्या बात हुई? मतलब अब मैं तुम्हारे कॉलेज में भी नहीं आ सकता? आ सकते हैं ना, बिल्कुल आ सकते हैं। मैं तो बोलती हूँ आप अपनी पुलिस की नौकरी छोड़कर मेरे मेडिकल कॉलेज में वो मेडिकल कोर्स ले सकते हैं, लेकिन मेरी जासूसी नहीं कर सकते। क्या जासूसी जासूसी लगा रखा है तुमने? सही में तुम्हारे कॉलेज में इसलिए गया था ताकि मैं वो तुम्हारा कॉलेज इवेंट जो है उसकी परमिशन के बारे में बात करने गया था तुम्हारे डीन से। झूठ, एक और झूठ। आपको शर्म नहीं आती? मैंने इवेंट मैनेजर से बात की है, उन्होंने मुझे बताया कि आपने कहा था कि बाहर का कोई भी इंसान अंदर नहीं आना चाहिए। मिलिंद भी ना? मिल, सही बात है मिलिंद। अब आपको तो सबके नाम पता ही होंगे। नहीं नहीं। अनिकेत को क्या धमकी दी आपने? क्या
क्या धमकी दी मैंने उसे? अच्छा, आपने उसको नहीं बोला कि अपने काम से काम रखे? क्या गलत बोला मैंने उसमें? हाँ? आपने मुझसे अनिकेत के बारे में बात की, पूछा था, मैंने आपको सब कुछ साफ साफ बता दिया था, फिर आपको क्या जरूरत थी मेरे कॉलेज जाने की? और सोने पे सुहागा तो ये है कि आप मेरे कॉलेज गए, मैं वहाँ आई और आप मुझसे मिले भी नहीं, अपना मुंह छुपा लिया। विराट सर, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, ना ही मैं झूठ बोलती हूँ और ना ही किसी का झूठ बर्दाश्त करती हूँ, फिर आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? सही, तुम्हारे सभी सवालों का एक ही जवाब है मेरे पास। क्या? मला माफ करा, माफ करा। अरे अब तो मेरी पोल भी खुल गई, सॉरी भी तो बोल दिया। अब तो बता दो कि कैसे पता चला तुम्हें कि मैं हॉस्पिटल में था? डीआईजी सर ने बताया। वो दोस्त नहीं है मेरे, डीआईजी सर है। तुमने सीधा उनको फोन कर दिया, वो भी इतनी रात को? तो और क्या करती, आपका फोन तो ऑफ था, मुझे उनकी हेल्प लेनी पड़ी। आपको मिल गया ना अपने सवाल का जवाब, सो जाइए, गुड नाइट। ओ, हे भगवान, कितना ट्रैफिक है। मैंने आपको कहा था ना मैं खुद चली जाऊंगी, आपसे ना तो कुछ बोलना ही बेकार है, सुनते ही नहीं है। अब खुद भी आप पुलिस स्टेशन लेट पहुंचेंगे ना। इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे मिस्टर खड़ूस जासूस, आपको क्या लगता है क्या जवाब होगा? मिस्टर क्या? खड़ूस जासूस। खड़ूस जासूस? जो जासूस ही करे वो जासूस, और खड़ूस तो आप हो ही, तो खड़ूस जासूस। सही, इस बारे में बात हो चुकी है और मैं तुमसे सॉरी भी बोल चुका हूँ, अब और मत सुनाओ प्लीज। हाँ ठीक है, सॉरी तो आप बोल चुके हो, लेकिन आपका नामकरण तो हो चुका है। सही, अब तुम ना? तुम बहुत स्मार्ट हो, जानती हूँ मैं बहुत स्मार्ट हूँ, लेकिन वो बताइए ना जो मैं नहीं जानती, क्या जवाब होगा? किसका? पाखी दीदी का। जो सवाल मैंने उनसे पूछा है उसका जवाब क्या होगा? सही, मुझे कैसे पता होगा, मैं पाखी थोड़ी ना हूँ। उनके बेस्ट फ्रेंड तो हो ना? हाँ तो? अरे तो बेस्ट फ्रेंड्स को एक दूसरे की बात पता होती है। अब देखो, परी मेरी बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन आप संडे के दिन परी से कभी भी पूछो कि तू पढ़ाई करेगी, तो छूटते ही उसका आंसर होगा नहीं। ये बात मुझे पता है क्योंकि मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ, तो आपको भी तो पता होगा। सही, तुम परी और पाखी को कैसे कंपेयर कर सकती हो? अच्छा ठीक है, परी और पाखी दीदी को कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन आपको और पाखी दीदी को तो कर सकती हूँ ना। मतलब? मतलब अगर मैं ये सवाल आपसे पूछूं, चलो पूछ ही लेती हूँ, आप चाहते हैं मैं लद्दाख चलूं? बोलिए ना। इस बारे में रात को बात करते हैं। सही, हैप्पी वैलेंटाइंस डे नागपुर, सभी प्यार करने वालों को आरजे मैजिक का सलाम। वैलेंटाइंस डे यानी प्यार और प्यार का इजहार करने का सबसे खास दिन। यूं तो दिल हर रोज धड़कता है, लेकिन वैलेंटाइंस डे के दिन हर दिल की धड़कन तेज हो जाती है, क्योंकि आज के दिन उठता है हर दिल में प्यार का एक अलग तूफान। आप मानते हैं इस सब में? तुम? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बताइए, प्यार जताने का कोई एक दिन थोड़ी ना होता है, प्यार तो हम हर दिन जता सकते हैं। मेरा भी यही मानना है। सही, लेकिन ठीक है, अब अगर लोग इसे खास दिन मानते हैं तो खास दिन ही सही। ये सब बड़े शहरों के चोचले होते हैं, हमारे घर चिरोली में सब प्यार से रहते हैं, और वहाँ पर तो किसी को वैलेंटाइन डे के बारे में पता भी नहीं होगा। अब बताइए, प्यार का दिन है कि बर्थडे, साल में एक ही बार आएगा? अगर किसी ने विराट सर को और मुझे एक साथ देख लिया तो समझ जाएंगे कि ये मेरी जासूसी करने आए थे। नहीं नहीं नहीं, रोकिए 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 रोकिए, गेट पे उतारता हूँ ना। नहीं नहीं नहीं, रोकिए ना रोकिए। और आइंदा से मेरे कॉलेज में आइएगा जासूसी करने। चलिए बाय केजे। केजे? खड़ूस जासूस। स्मार्ट बॉय।